नमस्कार दोस्तों, आज मैं जगमोहन सचदेवा इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरह से शियाटिका पेन से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, शियाटिका पेन जो जनरली लंबर एरिया में L3, L4, L5 और S1 में जब स्लिप डिस्क हो जाता है, नर्व कंप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से टांग में आने वाली दर्द को शियाटिका पेन कहते हैं। बहुत से लोग शियाटिका पेन से प्रभावित हैं, अफेक्टेड हैं। शियाटिका पेन जो है वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आज मैं आपको इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो ऑरिकुलर थेरेपी में ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनका उपयोग करके आप शियाटिका के दर्द से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको किस तरह से शियाटिका का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है ऑरिकुलर थेरेपी में, साथ ही साथ में वो कौन से बिंदु हैं, कान पर कहां पर आते हैं, लेफ्ट कान में कहां पर आएंगे, राइट कान में कहां पे आएंगे, उसकी लोकेशन यहां पे भी बताऊंगा, उसके बाद किस तरह से इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सीड लगाकर आप इसको पूरी तरह से ठीक कर सके वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप शियाटिका पेन को ठीक करना जरूर सीख जाएंगे। जितने भी थेरेपिस्ट है, भले वो एक्यूप्रेशर के हों, भले वो रेकी के हों, भले वो सुजोक के हों, भले वो चाइनीज एक्यूप्रेशर वाले हों, भले वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर वाले हों, आज इस वीडियो को आप सबने ध्यान से देखना है ताकि कभी भी शियाटिका पेन का पेशेंट आपके पास आए तो बिल्कुल सरल और सहज तरीके से आप उसे लाभ पहुंचा सके, उसे ठीक कर सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं शियाटिका के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले लोकल पॉइंट लिया जाता है। लोकल पॉइंट क्या हो गया, लंबो सैक्रल एरिया में नर्व कंप्रेशन से ये प्रॉब्लम आती है, तो लोकल पॉइंट हो गया लंबर और सैक्रल। अगर इसकी लोकेशन को हम कान में देखेंगे, राइट ईयर में देखेंगे, तो सबसे पहले सर्वाइकल, फिर थोरॉसिक, फिर ये आपका जो लंबो सैक्रल एरिया हो गया, यहां पे आपको ट्रीटमेंट करना है एंटी टैनिक से। ये जो लंबो सैक्रल एरिया हो गया, यहां पे आपको ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद ऑर्गन इन्वॉल्व, इसमें मैं कंसेप्ट ले रहा हूं चाइनीज एक्यूप्रेशर का। चाइनीज एक्यूप्रेशर ये कहता है कि जब टांग के पीछे से दर्द जाए तो वो यूरिनरी ब्लैडर चैनल की है, और अगर साइड ऑफ द लेग से जाए तो वो गॉल ब्लैडर चैनल की है। तो यानी जो ऑर्गन इन्वॉल्व हुए वो एक गॉल ब्लैडर हुआ और दूसरा यूरिनरी ब्लैडर। तीसरा, अगर चाइनीज एक्यूप्रेशर कहता है कि जितनी भी आपकी स्पाइनल वर्टिब्रा है, जितनी भी आपकी बोन्स है, जितने भी आपकी जॉइंट्स है, उन सब के लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो साथ में हमने यहां पे ले लिया किडनी। अब ये तीन बिंदुओं को भी हमें यहां पे मार्क करना है। तो दोस्तों, यहां आता है किडनी का पॉइंट इस जगह पे, और इसके थोड़ा सा बाद यहां पर आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर का बिंदु। और बात करें गॉल ब्लैडर की, तो यहां पे आ जाता है गॉल ब्लैडर का बिंदु। ये तीनों के तीनों बिंदु इस तरह से ऊपर सिम्बा कोंचा में आ जाते हैं। ये बिंदु जब लेफ्ट ईयर पे हम लेंगे तो दोस्तों यहां पर किडनी का बिंदु लेंगे और यहां यूरिनरी ब्लैडर का बिंदु लेंगे। क्योंकि गॉल ब्लैडर सिर्फ राइट साइड होता है, इसलिए सिर्फ राइट ईयर पर गॉल ब्लैडर के पॉइंट को हमने लेना है। इसके बाद बात करते हैं स्पाइन पॉइंट की। तो दोस्तों, स्पाइन पॉइंट गॉल ब्लैडर का T4, किडनी का T10 एंड 11, एंड यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो लंबर 3 होता है।
तो दोस्तों जब T4, 10, 11 नंबर 3 को हमने ट्रीट करना है तो नंबर 3 तो ये लंबोसैक्रल एरिया जो हमने लिया उसी में कवर हो जाता है, और T10, 11 और T4 ये दो बिंदु जो है हमें यहां पर एंटी हेलिक्स पर और लेने पड़ते हैं। T10, 11 एंड T4 ये बिंदु जो है हमें और यहां पर लेने होते हैं। उसके बाद आता है सिस्टम इन्वॉल्व। तो जब शियाटिका नर्व कंप्रेशन, अब ध्यान रखना है शियाटिका नर्व की प्रॉब्लम है तो नर्वस सब कॉर्टेक्स आपको लेना है जो ये एंटी ट्रेगर्स की इनर साइड पर यहां पर आ जाता है, और ये इनर साइड पर यहां पर आ जाता है। उसके बाद सिस्टम इन्वॉल्व में ले लिया हमने नर्वस सब कॉर्टेक्स। अब बात करते हैं चक्रा इन्वॉल्व की, कौन से चक्रास इन्वॉल्व होते हैं जो शियाटिका के पेन को ठीक करें। तो देखिए मूल आधार चक्र जो रूट चक्रा होता है, जो रूट चक्रा है वो पूरी बॉडी की मसल को, बोन को, स्पाइनल वर्टिब्रास को देखता है, तो रूट चक्रा का इलाज इसमें करेंगे। और रूट चक्रा आता है यहां पर आ जाता है आपका रूट चक्रा। इसके बाद बात करेंगे स्पेसिफिक पॉइंट की। तो दोस्तों स्पेसिफिक पॉइंट चूंकि शियाटिका का पेन है तो स्पेसिफिक पॉइंट हो जाता है शियाटिका का पॉइंट, और जो शियाटिका का बिंदु आता है वो आता है यहां पर। इसमें ही अगर जो पेन है दोस्तों वो लंबर एरिया से आते हुए बटक एरिया को भी कवर करता है तो इसके अंदर हम बटक बिंदु भी लेते हैं, और बटक का पॉइंट आता है यहां पर। तो बटक, शियाटिका और रूट चक्रा तीनों पॉइंट इसमें ले लेते हैं, इसमें ब्रेन लोब को लेने की जरूरत नहीं रहती। अब बात करते हैं एलिमेंट की। दो डिस्क के बीच में जब गैप रिड्यूस होता है तो नर्व कंप्रेशन है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वहां पर स्पेस को बढ़ाना है, तो स्पेस एलिमेंट को लेंगे, और स्पेस एलिमेंट जो है वो आपका आता है ईयर लोब पर इस जगह पर। इसके साथ में आप फायर एलिमेंट भी ले सकते हैं क्योंकि कई बारी L4, L5, S1 के बीच में ऑस्टियोफाइट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन हो रहा होता है, तो फायर एलिमेंट इसमें हम साथ में ले सकते हैं। तो यहां पर आता है फायर एलिमेंट का बिंदु। तो दोस्तों ये जो है शियाटिका पेन का प्रोटोकॉल इस तरह से हम लोग बनाते हैं, और उन बिंदुओं को कैसे राइट कान पर और कैसे लेफ्ट कान पर लेना है ये आपने अभी यहां पिक्चर में देखा। अब दोस्तों ये सभी बिंदुओं को मैं कान पर आपको लगाकर दिखा देता हूं ताकि जो भी रोगी शियाटिका पेन का आपके पास आए आप उसको ऑरिक्यूलर थेरेपी का सटीक उपचार देकर ठीक कर सके। तो दोस्तों आइए अब कान पर इन बिंदुओं को देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं जो शियाटिका के पॉइंट्स हैं वो कान पर कहां पर आते हैं। सबसे पहले हमने ये लंबोसैक्रल एरिया को कवर करना है, इसके बाद हमने गॉल ब्लैडर पॉइंट, किडनी पॉइंट और यूरिनरी ब्लैडर पॉइंट को कवर करना है। इसके बाद आई थी बारी थोरोसिक 4 की और 10-11 की। इसके बाद नर्वस सब कॉर्टेक्स जो यहां पे एंटी ट्रिगर्स की बैक साइड में यहां आता है। इसके बाद रूट चक्रा जो एंटी हेलिक्स के इंफीरियर क्रस्ट का आखिरी बिंदु है, अगर यहां पॉइंट लगाने में दिक्कत लगे तो हम एक्सटर्नल रूट चक्रा भी ले सकते हैं। इसके बाद जो स्पेशल पॉइंट था वो एक था बटक और दूसरा था शियाटिका, तो बटक और शियाटिका पॉइंट भी हमें इसमें लेने हैं। एलिमेंट की बात की गई थी तो स्पेस एलिमेंट और साथ में फायर एलिमेंट।
तो दोस्तों ये लोकेशन है उन बिंदुओं की जिनको हमने ट्रीट करना है शियाटिका के पेशेंट्स में। आइए दोस्तों देखते हैं अब किस तरह से सीड इन बिंदुओं पर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये ऑरिक्यूलर थेरेपी के सीड्स होते हैं और इनमें से एक-एक सीड को हमने जो-जो पॉइंट मार्क किए हैं उन पे लगाना है। एक्यूप्रेशर की जो जिम्मी आती है, ऑरिक्यूलर थेरेपी की जो जिम्मी होती है, उस पर इस तरह से एक सीड को लगाकर इन बिंदुओं पर लगाना शुरू करते हैं। तो बिगिन वही लंबो सैक्रल एरिया से करेंगे। तो ये लंबो सैक्रल एरिया को कवर करने के लिए हमने सबसे पहला सीड लगाया। दूसरा सीड हमने गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर बिंदु पर हमने दूसरा सीड लगाया। तीसरा सीड जो लगेगा वो लगेगा यूरिनरी ब्लैडर पर, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी पर। तो हम क्या करेंगे, पहले किडनी पर लगा देंगे, ये जो किडनी का पॉइंट है वहाँ पे हम पहला बिंदु लगा देंगे। इसके बाद वाला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा यूरिनरी ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर पर एक सीड लेंगे और जो यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है वहाँ लगा देंगे। इसके बाद जो बारी आती है वो थोरोसिक फोर पर इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। थोरोसिक फोर के बाद थोरोसिक 10 एंड 11 जो किडनी का स्पाइन पॉइंट है उस पर। इसके बाद हम नर्वस सब कॉर्टेक्स का ट्रीटमेंट करेंगे जो एंटी ट्रेगस की इनर साइड पर आता है। ये नर्वस सब कॉर्टेक्स पर हमें सीड लगाना है। इसके बाद नर्वस सब कॉर्टेक्स को ट्रीट करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि सीड के नीचे हेयर ना आए। इसके बाद का जो पॉइंट रहेगा नर्वस सब कॉर्टेक्स के बाद, उसके बाद चक्रा की बात करें तो रूट चक्रा को हम ट्रीट करेंगे। ये रूट चक्रा का बिंदु हो गया। रूट चक्रा को कवर करने के बाद हम शियाटिका और बटक के बिंदुओं पर उपचार करेंगे। ये पहला बिंदु आ गया यहाँ पे बटक का, और दूसरा बिंदु जो आएगा एंटी हेलिक्स के इन्फीरियर क्रस्ट पर जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है शियाटिका का। दोस्तों ये बिंदु बहुत ही कारगर, बहुत ही प्रभावशाली हैं। इसके बाद हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, एक स्पेस एलिमेंट जो ईयर लोब पर आएगा और दूसरा फायर एलिमेंट जो हेलिक्स क्रस के बीचों बीच यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों ये हमने पॉइंट जो है मार्क किए, लगाए, सीड लगाए जो शियाटिका के पेन को ठीक करने के लिए काम में आते हैं। तो दोस्तों ये ऑरिकुलर थेरेपी के वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपने अभी देखा, जाना, समझा कहाँ पर इनकी लोकेशन है, कैसे ये प्रोटोकॉल बनाया गया, और इन बिंदुओं पर जब आप उपचार करेंगे तो आपका जो शियाटिका का पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा।